वेलकम टू बॉटनी स्टडी टिप साइंस। आई एम श्वेता ठाकुर और आज हम हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे एमएससी बॉटनी। एक इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर इज लोकेटेड, वो हमें देखने को मिलता है मनेस्को में। हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट आर एक्टिवली कल्टिवेटेड फूड फीडर एंड फॉर्डर, हम कितने स्पीशीज को ग्रो करवाते हैं एक फील्ड में, कितने सीड हमारे पास होने चाहिए एक क्रॉप के, तो वो है 150 से 200 सीड होनी चाहिए हमारे पास। अकॉर्डिंग टू बेबीलोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप और इज नीड फ्रॉम इन द इंडिया सेंटर ऑफ ओरिजन, इंडिया सेंटर ऑफ ओरिजन से हमें कितनी जो है स्पीशीज देखने को मिली थी, हमें जो इसकी इम्पोर्टेंट स्पीशीज थी वो राइस प्लस मैंगो थे, याद रखना आप। तो इसकी राइट आंसर है सी, राइस। नेक्स्ट है हमारे पास बोटैनिकल नेम ऑफ कार्डियम, बड़ी इलायची का साइंटिफिक नेम है, राइट आंसर है इसका डी, नोमम। आगे है फाइको एक्टिव, जो फाइको एक्टिव ड्रग्स होते हैं या फाइको एक्टिव, जैसे फाइको एक्टिव में हम पढ़ते हैं ओपियम पढ़ते हैं भांग पढ़ते हैं और चौस गांजा, ये सारे इंक्लूड इसी में आते हैं, ड्रग्स प्लांट में आते हैं। तो जो फाइको एक्टिव है उसमें फाइटोकेमिकल कौन से प्रेजेंट होते हैं ओपियम में, इसका राइट आंसर है ए, मॉर्फिन कोडीन थियोविन एसेक्टर, ये तीनों जो हैं प्रेजेंट होते हैं ओपियम में। नेक्स्ट आंसर है इस हमारे पास सिक्स क्वेश्चन है, ये आप को पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश में जो टिम्बर प्लांट है वो कौन से हैं, सीड्रस देवदार ये सारे जो हैं। आगे है इनिटो बॉटनी, जो फर्स्ट टाइम टर्म किसने यूज़ करी थी, इसका राइट आंसर है सी, जे हार्शबर्गनी। इसका आगे है हमारे पास जो इनिटो, इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, इजी है। आगे है जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज इज रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन, जैव विविधता जो रूल था वो इंडिया में कब पास हुआ या इंक्लूड हुआ था, 2002 में इसे इंक्लूड करा था। द टर्म ऑफ टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय टॉम टैक्सोनॉमी, ए पी डी कैंडल ने डिस्कवर्ड करी थी। आगे है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय द एंग्लर एंड प्रिंटल, विच इन विच ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी, इस राइट है आंसर है इसका फाइलोजेंटिक सिस्टम के अंदर आती है ये, जो एंग्लर ने प्रपोज करी थी फॉलोइंग कैटेगरीज सिस्टम, विच प्रिंसिपल इंटरनेशनल कोड नॉमनक्लेचर फॉर एल्गा फंजाई एंड प्लांट सिस्टम दैट साइंटिफिक नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन रिकॉर्डलेस ऑफ देयर डेरिवेटिव, इसका राइट आंसर है डी। आगे है वेयर इज वर्ल्ड लार्जेस्ट हर्बेरियम लोकेट, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ देखने को मिलता है, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, ये भी इजी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इन दोनों के आंसर। आगे है इस ग्लूकोसिनोलिएट्स आर कन्फर्म्ड ओनली टू फैमिलीज ऑफ फ्लावर प्लांट, हमें ये जो है किन दो प्लांट के फ्लावर में देखने को मिलता है, इसका राइट आंसर है बी, इस ब्रैसिका एंड कैप्रियसी फैमिली में। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल प्रोटीनेशियस इन्फेक्शंस पार्टिकल्स विच लेक द न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज प्रियॉन्स, लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, इसका राइट आंसर है बी, जो ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट था डिप्लोकोकस पे जो
1928 में हुआ था, और वो किस में इंक्लूड करते हैं, हम उसे पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, जो विलेंट और नॉन विलेंट, स्मूथ एंड रफ वाला कॉन्सेप्ट था। और जो फिनोमिना ऑफ पैरासेक्सुअल इन फंजाई वाज डिस्कवर्ड बाय स्पिनेटो कार्वो रैपर ने, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, और जो अनदर टॉपिक में है उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी धीरे धीरे करके। स्टेलरोमाइसिस आर परफेक्ट स्ट्रेज ऑफ पेंसिलियम। आगे है लिटमस एंड एसिड डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन, इसका राइट आंसर है ए। आगे है विच ऑफ द क्लास ऑफ एल्गा फ्लोरिडिन स्टार्च एज रिजर्व फूड मटेरियल, इस पर मैंने टेबल बनाया है एल्गा प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हो। इसका राइट आंसर है फ्यूफाइसी। प्लोरुला एंड स्पायरुलिना इन एक्टोकार्पस आर कनेक्टेड विद, ये तीनों स्टेजेस में देखने को मिलता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, तो राइट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है हमारे पास एल्गा इज यूज एज सप्लीमेंट्री फूड, क्लोरेला और स्पायरुलिना दोनों में जो है यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है सी, स्पायरुलिना ही। सिंप्लीफाई करनी है हमने इक्वेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल की, इसका जो है ये एस वाई सिस्टमेटिकली फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, इज इक्वल टू फाइव एस प्लस आएगा फाइव पी और एन में आएगा फाइव एम, तो इसका राइट आंसर है अभी पी। शूट विच विकम ट्विस्टेड एंड पेल वाइट ड्यू टू द डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है इसकी टिप जो है, इसका राइट आंसर है सी, सॉरी सी नहीं, कॉपर। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोफिल ए कितने अब्जॉर्व कर लेता है वेवलेंथ, अगर एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो 400 से 700 तक, 400 से 700 तक अब्जॉर्व कर लेता है एनसीईआरटी के अनुसार ये वेवलेंथ क्लोरोफिल। एटीपी मॉलिक्यूल्स इज रिक्वायर्ड सिंथेटिक ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन सी फोर पाथवे में सिंथेसिस होती है, तो हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इसका राइट आंसर है 30। अ लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, सिट्रिक एसिड में देखने को मिलता है हमें ये, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स कैन रिप्लेस एज रिक्वायर्ड फॉर वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन पे भी मैंने वीडियो बना दी है, तो जो है जिरवलिन जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टेम्परेचर रीजन में। तो आज हमने 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं, और 30 जो हैं बचते हैं अभी, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करके सबसे पहले किसी टेस्ट की प्रिपरेशन करने से पहले हमें सिलेबस पे फोकस करना होता है, फिर सिलेबस के बाद हम देखते हैं कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी होती है। और मैं धीरे धीरे एमएससी एंट्रेंस पे भी वीडियो बना दूंगी, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल, थैंक यू।